एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि अब की बार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ था, उसके शून्यक निकाले थे हमने और शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी निकाला था। अब की बार शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये दे रखा है, हमें क्या निकालना है, जो वो द्विघात बहुपद है वो हमें निकालना है। पहले बच्चों, जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, इसके साथ में लगा देंगे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब आप देखेंगे शून्यकों का योगफल, ये काफी बड़ा फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो शून्यकों के योगफल को हम एस लिख लेते हैं, एस से लिख लेते हैं, एस का मतलब सम, उनका योग जोड़, और शून्यकों का गुणनफल को हम पी लिख लेते हैं, पी मतलब उनका प्रोडक्ट। एस किसके लिए है, सम के लिए, समेशन के लिए, जोड़ के लिए, और पी किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। तो ये फॉर्मूला काफी छोटा नजर आता है, तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये, आपने इन क्वेश्चन को इस तरह से करना है हमें। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल छोटा कर दिया, शून्यकों का योगफल की जगह भी क्या लिख दिया, एस, एस साथ में एक्स था तो एक्स लगा दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल उसको हमने पी लिख दिया। तो ये छोटा सा हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें ये ध्यान रखना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट की क्या दे रखा है, योग है मतलब योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो योग कितना है, 1/4, ये है हमारे पास 1/4, और गुणनफल कितना है, पी, ये है हमारे पास -1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास, हम यहां पे इसका मान रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस का मान कितना है, 1/4, 1/4 एक्स, और पी का मान कितना है, -1, तो -1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके बटे में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 से गुना कर दो, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर, यहां 4 कट जाएगा तो एक्स रह जाएगा, माइनस यहां पे 4 × 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, जस्ट हमें क्या पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, वर्गमूल 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस है वर्गमूल 2, एक्स और गुणनफल यानी कि पी, 1/3। अब फिर बटे में आ गया तो 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करने पर, जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी भी 3 से गुणा हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2 एक्स और प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगर हम थर्ड पार्ट देखें, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास शून्यकों का योगफल 0 है और शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5 है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख दिया, तब इसमें वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर
माइनस जीरो गुना में एक्स, एस का मान जीरो है और पी का मान प्लस वर्गमूल पांच है, तो ये हो गया एक्स स्केयर, ये तो जीरो ही हो गया, छोड़ दिया हमने एक्स स्केयर प्लस वर्गमूल पांच, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो बस यही है, यही तक हमें इसको करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में है हमारे पास योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है, तो रख देंगे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स प्लस एक, तो एक एक्स तो एक्स ही होता है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास योगफल है माइनस एक बटा चार और गुणनफल है एक बटा चार, तो रख देंगे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एस का मान माइनस एक बटा चार एक्स, ऐसे लिख लो माइनस एक बटा चार एक्स, प्लस पी का मान भी एक बटा चार है हमारे पास, तो यहां से जब हम इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक बटा चार एक्स और प्लस एक बटा चार, तो हम क्या करते हैं इसको चार से गुणा करते हैं, चार से गुणा करने पर, तो जब इसको चार से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर प्लस चार कट जाएगा एक्स और प्लस चार ये भी कट जाएगा तो एक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट तो बिल्कुल इजी है, सिक्स्थ पार्ट तो सबसे पहले देना चाहिए था, बल्कि उसको सिक्स्थ पार्ट में है हमारे पास शून्य को योगफल है चार और शून्य को गुणनफल है एक, तो एस और पी का मान आ गया, तो यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स और प्लस एक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अक्सर इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तीन अंक के लिए आता है। एक बात प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, जानबूझ के आपको वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे सकता है कि एक द्विघात बहुपद, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको अगर आप नंबर देना चाहो तो तीन नंबर दे सकते हो, लेकिन ये अलग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक, जिसके जो शून्यक हैं वो क्या है, चार और माइनस तीन है। एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन भी तीन अंक के लिए आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, काफी आ जाता है। तो इसमें देखो शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं बताया गया, क्या बताया गया, शून्य का ही। तो अगर इसके हल की बात करें तो हमें क्या दे रखे, शून्य दे रखे हैं। शून्य क्या क्या है, एक तो चार है और दूसरा माइनस तीन है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, हम शून्य को कई ऊपर निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, चार प्लस माइनस तीन, चार प्लस क्या है तीन माइनस क्या, तो कितना आ जाएगा एक। शून्य को का गुणनफल इनकी गुणा कर देंगे, चार और माइनस तीन की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बारह। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एस का मान कितना है हमारे पास एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स और पी का मान कितना है माइनस बारह, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि एक तो लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस बारह, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। प्यारे बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तीन अंक में एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो वो शून्यों का योगफल और गुणनफल देके आपसे बहुपद पूछ ले, या फिर शून्यक देके आपसे बहुपद पूछ ले, तो मैंने दोनों ही तरीकों से आपसे आपको करवा दिया है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू वेरी मच।